क्या आपको पता है बेंगलुरु बुल्स के कौन से ऐसे टॉप 3 प्लेयर्स हैं जिन्हें रिटेन नहीं किया जाएगा और कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसे 100% रिटेन किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ एकदम सटीक फैक्ट्स और रीजंस के साथ पूरी जानकारी कि आखिर उन प्लेयर्स को क्यों नहीं रिटेन किया जाएगा और उस प्लेयर को क्यों रिटेन किया जाएगा। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खेल कबड्डी। सबसे पहले बात करते हैं सीजन 8 के परफेक्ट रेडर की, तो वो थे पवन सहरावत। जी हाँ, आप सबके चहेते हाई फ्लायर। तो अगर बात करें कि आखिर बेंगलुरु बुल्स पवन सहरावत को इस बार क्यों नहीं रिटेन करेगी, तो हमें काफी सारी न्यूज एजेंसी से ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि अब की बार पवन खुद ही रिलीज होना चाहते हैं। वैसे तो इनकी लास्ट सीजन में रिटेन प्राइस थी 86,60,000 और सीजन 9 में अगर हम 15% ऐड कर इनकी रिटेन प्राइस निकाले तो वो तकरीबन 1 करोड़ रुपीज हो जाएगी। शायद पवन की एक्सपेक्टेशंस इससे कई ज्यादा है, इसलिए अब की बार वो खुद ही रिलीज होना चाहते हैं। और अगर हम बात करें इनकी परफॉर्मेंस की तो वो बहुत ही अच्छी रही थी। इन्होंने पीकेएल 8 में 24 मैचेस में 320 टोटल पॉइंट्स बनाए थे, जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। दूसरे नंबर पर है चंद्रन रंजीत, जिनकी लास्ट सीजन सोल्ड अमाउंट रही थी 80 लाख, और अगर हम उसमें 15% ऐड कर फाइनल अमाउंट निकाले तो वो होगी 92 लाख, जो कि एक रेडर के लिए बहुत ही ज्यादा है। और साथ ही इनकी परफॉर्मेंस लास्ट सीजन कुछ खास नहीं रही थी। इन्होंने 19 मैचेस में 80 रेड पॉइंट्स और 16 टैकल पॉइंट्स लिए थे, जो कि बहुत कम है। अगर बेंगलुरु बुल्स इन्हें 90 लाख अमाउंट पे रिटेन करेगी तो उनके पास सॉलिड रीजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही थी, तो इसलिए इनके चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है रिटेन होने के। तीसरे नंबर पर है डिफेंडर महेंद्र सिंह। ये पिछले साल FBM कार्ड के द्वारा वापस टीम में लाए गए थे और इनकी अमाउंट थी, मतलब सोल्ड प्राइस अमाउंट थी 50 लाख। अगर बेंगलुरु बुल्स इन्हें रिटेन करना चाहेगी तो उन्हें 15% इस अमाउंट में ऐड कर जो फाइनल प्राइस देनी होगी वो होगी 57,50,000, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें इनकी परफॉर्मेंस की, तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी सीजन 8 में। आइए देख लेते हैं इनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो इनकी परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें, इन्होंने सिर्फ 39 टैकल पॉइंट्स लिए थे 20 मैचेस में। अगर बेंगलुरु बुल्स सीजन 9 में इन्हें रिटेन करना चाहती है तो अमाउंट यहाँ पर ज्यादा नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे नहीं लगता यहाँ पर बेंगलुरु बुल्स इनको रिटेन करेगी। अब बाकी टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन्हें रिटेन करेगी या नहीं, क्योंकि इस बार ऑक्शन में बहुत प्लेयर्स देखने के लिए मिलेंगे, तो हो सकता है कि टीम अपना पर्स अमाउंट कहीं और लगाए, मतलब किसी और अच्छे प्लेयर को खरीदने में वो अपना पर्स अमाउंट लगाए। ये तो बात हो गई बेंगलुरु बुल्स के उन टॉप 3 प्लेयर्स की जो अब की बार रिटेन नहीं किए जाएंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं उस प्लेयर की जो 100% चांसेस है कि अब की बार बेंगलुरु बुल्स के द्वारा रिटेन किए जाएंगे, और वो है डिफेंडर सौरभ नंदल। पिछले सीजन में इनको 25 लाख में रिटेन किया गया था और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी। इन्होंने सिर्फ 24 मैचेस में 69 टैकल पॉइंट्स अर्न किए थे, जो कि बहुत ज्यादा है एक डिफेंडर के लिए। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पर टीम बेंगलुरु बुल्स महेंद्र सिंह की जगह सौरभ नंदल को ही रिटेन करेगी, क्योंकि एक तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी लास्ट सीजन में और इनकी प्राइस भी बहुत कम है महेंद्र सिंह के मुकाबले। जैसे सौरभ नंदल की लास्ट सीजन सोल्ड अमाउंट थी 25 लाख, और अगर हम उसमें 15% ऐड कर इस बार की सोल्ड प्राइस निकाले तो उनकी प्राइस होगी 28,75,000, जो कि महेंद्र सिंह के मुकाबले बहुत कम है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 100% चांसेस है कि बेंगलुरु बुल्स सौरभ नंदल को ही रिटेन करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे बेंगलुरु बुल्स के वो प्लेयर्स जिन्हें रिटेन किया जाएगा और जिन्हें नहीं रिटेन किया जाएगा। मैंने इस वीडियो में फुल फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपको समझाने की कोशिश की है कि आखिर ऐसा क्यों। तो आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स और लॉजिक्स के साथ एकदम सही लगी है तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऑल्सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।